बम छिक छिक छाम छिक छिक बम छिक बुक छिक बम छिक बुक छिक बढ़ के बोल बेटा बम बम बढ़ के बोल बेटा खिड़की खोल बेटा बढ़ के बोल बेटा बम। जब हम मेले में जाते थे बाजी, हाँ। कितना मजा आता था। वो बाजा लेते थे ना हम लोग, जिसके से पीपनी बजाते थे, पहले गुब्बारा फूलता था, हाँ। और बच्चे अंकल के कान के नीचे नीचे बजाते थे, हाँ। दो तीन बार बजाते थे, फिर अंकल हमारे कान के नीचे बजाते थे। वन मंथ पहले से दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली में कहाँ पे रहते हैं आप? सर मैं दिल्ली में इंडिया गेट के पास रहता हूँ। इंडिया गेट कहाँ रहता है फिर? देखा दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कहानी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर कास्टिंग गलत की जाए तो यही सब कुछ होता है। थैंक यू। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स। भगवान शंकर के इस पावन पर्व पे यानी शिवरात्रि के मौके पे आप सबको ढेर सारी बधाई। और आज शिवरात्रि के इस पर्व पे हमने ये बड़ा ही खूबसूरत मेला लगाया हुआ है, जिसमें कलर्स परिवार के सारे सदस्य जो हैं वो यहाँ पे आज आने वाले हैं। लेकिन इस मेले का आरंभ करने से पहले मैं उनको बुलाना चाहूंगा जो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं। प्लीज जोरदार ताली स्वागत कीजिए मिस्टर पाजी। आपको भी महाशिवरात्रि की लाख लाख बधाई। सबको लाख लाख बधाई। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। बहुत खूब कहा पाजी, बहुत खूब। आज उन्हीं को नमन करता हूं और महामृत्युंजय जपाने वाले उसी मंत्र से आज इस शो का आरंभ करता हूं। ओम होम ओम झूम ओम सहा ओम भू ओम भुवा ओम स्वाहा ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ओम स्वाहा ओम भुवा ओम भू ओम सह ओम झूम ओम 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 जय महाकाल। सिद्धू भाई, आज शिवरात्रि के अवसर पर हमने यहाँ पे बड़ा खास इंतजाम किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेला लगा हुआ है और आज हमने कुछ शिक्षाप्रद जिनमें कुछ मैसेज हो वैसी कहानियों का सचित्र वर्णन करने का पुख्ता इंतजाम किया है। मैं मतलब कोशिश कर रहा हूँ एज ए प्योर हिंदी बोलने की और मुझे लग रहा है कि जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ मुझे जल्दी ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल सकता है। हो सकता है ज्ञान नाम का आदमी मेरी पीठ पर पुरस्कार भी दे दे, डिपेंड करता है। तो सबसे पहले बुलाते हैं कलर्स के चर्चित शो बालिका वधु से आनंदी और गंगा को। आनंदी और गंगा, आपका कॉमेडी में बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है कपिल। दोनों साथ में बोलती हैं? जी हाँ। सबसे पहले तो आपको महाशिवरात्रि के इस पावन मौके पे ढेर सारी बधाइयां। आप सबको भी और आपको भी कपिल। पूरा हिंदुस्तान आपको आदर्श बहुओं के तौर पे जानता है। आप दोनों अगर कोशिश करें तो क्या आप मेरी वाली जो वाइफ है उसको आदर्श बहू बना सकती हैं आप? जरूर बना तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको एक आदर्श पति और आपकी दादी को एक आदर्श सास बनने की जरूरत है। कहने का मतलब कि नहीं हो सकता ये। आप बनना ही नहीं चाहते आदर्श पाजी। हाँ जी। जब हम लोग सीरियल्स देखते हैं, बहुएं देखते हैं आनंदी और गंगा जैसे, तो हमें लगता है यार कितनी आदर्श बहुएं हैं। मैं ये जानना चाहता हूं हमारे यहाँ पे जितने भी दर्शक बैठे हुए हैं, क्या आपको लगता है कि जितनी सीरियल्स में बहुएं आदर्श दिखाते हैं रियल लाइफ में भी ऐसा होता है, आप ये मानते हैं? कौन है जो हमारे दोस्त इस पर टिप्पणी? जी मैडम, आपकी भी बहू है? क्या बात कर रही हैं आप तो खुद ही बहू लग रही हैं।
कितनी उम्र है आपके बेटे की? 24. और आप में और आपके बेटे में सिर्फ 4 साल का फर्क कैसे? मतलब आप बड़ी यंग लगती है, लगता नहीं है कि मतलब आप 24 साल का आपका बेटा है? हाँ. क्या बात है. वो मैं भी सोच रही हूँ कि उन्हों की जैसी मेरी भी बहू, मैं आजकल की तो बहू कैसी होती है. कैसी होती है? वो पति को लेके चली जाती है, उसको बस कर लेती है. क्या कर लेती है? बस में कर लेती है. हाँ. और लेके चली आ रही है कि तांत्रिक ला रही है? बस में कर लेती है. मेरे को तो टेंशन लग रहा है कि मेरी बहू कैसी आएगी, आनंदी जैसी आएगी कि नहीं. मैं भी एक बहू हूँ रियल लाइफ में, और मुझे नहीं लगता कि आजकल की लड़कियां ऐसा करती हैं कि वो अपने हस्बैंड को वश में कर लेती हैं. जब आप आई थी शादी करके, आपने अपने पति को वश में किया था? मैंने तो मेरा परिवार बहुत अच्छी तरह से सेट किया है, सास ससुर की सेवा भी बहुत की है. आपने अपने सास ससुर का ध्यान रखा, बुजुर्गों का प्यार लिया, उनका आशीर्वाद लिया, तो आपको भी ऐसी ही बहू मिलेगी जो आपका भी ध्यान रखे. कभी हो ही नहीं सकता, ऊपर वाला सब देख रहा है. टेंशन लेने का नहीं, देने का. आनंदी और गंगा, मैं आपको एक बात बताऊं, आप बहुत ही अच्छे मौके पे आई हैं. आज महाशिवरात्रि का मौका है और हम यहाँ पे बड़ी ही शिक्षा प्रद कहानियां जो हैं वो प्रस्तुत कर रहे हैं. अरे वाह, फिर तो हमें भी देखनी है ये आपकी. हाँ, हम आपको बिल्कुल प्रस्तुत करेंगे आपके सामने. कांकी, आप यहाँ पे जाके विराजमान हो जाइए. जोरदार तालियां गंगा और आनंदी के लिए. ये कहानी है एक सीधे साधे बाबा की जो मेडिटेशन में बैठे हैं और एक अप्सरा आके उनकी मेडिटेशन भंग कर देती है. आइए देखते हैं वो कैसे भंग करती है. प्रस्तुत है एकांकी. बाबा जी, आप मेडिटेशन क्या पाने के लिए कर रहे हैं? बस आपको पाने के लिए कर रहे थे. आप आ गए हैं तो हमारी इच्छा पूरी. आए चले. ओ हेलो बाबा, अब क्या कर रहे हैं आप? आप ऐसे नहीं उठना. हाँ. बैठिए इधर जी. अप्सरा आके आपकी मेडिटेशन भंग करके आपको फिर उठना है. कहानी बड़ी बचपन में आपने खराब कर रहे हैं आप. बैठिए यार. पता नहीं अप्सरा कैसी निकल आए, हमें तो यही अच्छी लग रही है. आप प्लीज यहाँ बैठ जाइए, नहीं तो कोहनी मार के आपका ठुड्डी जैसा मुंह तोड़ दूंगा मैं. आप बैठिए यार. हम बैठ रहे हैं जी. आप वहां पे बैठिए, इनको अप्सरा आके ठीक करेगी. अप्सरा शुरू होता है अब, क्योंकि आपसे मिलने खुद अप्सरा आई है. अप्सरा, झूठ मत बोलो. आईने में अपनी शक्ल देख के आईना तोड़ने वाली औरत अपने आप को अप्सरा बता रही हो? चली जाओ यहाँ से. ओ, ये आप क्या कह रहे हैं बाबा जी? आपकी तो आंखें बंद हैं. आंखें बंद हैं लेकिन कान तो खुले हैं. इतनी भयंकर आवाज, ऐसे लग रहा है पुरानी एम्बेसडर स्टार्ट हो रही है. आंखें खोलकर देखिए बाबा जी, मेरी आवाज से मेरी त्वचा का पता ही नहीं चलता. रहने दे, तेरा दिमाग खराब हो गया बुआ. तेरी त्वचा तो आवाज से भी ज्यादा पुरानी लगती है. चुप कर. बाबा जी प्लीज, मैंने आपको अपना सब कुछ मान लिया है. आपके बगैर तो मेरी सुबह ही नहीं होती. क्यों बाबा, तुम्हारी खिड़की में बांग देता सुबह सुबह, जो तुम्हारे सुबह नहीं होती. तो पूरा तो सुन ले बाबा जी, आपके बगैर न सुबह होती है न शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है बाबा जी. और तुम्हारे जैसी लड़की शादी से पहले स्ट्रॉबेरी और शादी के बाद दशहरी आम होती है. बाबा जी, अगर आप मुझे नहीं मिले तो मैं जी नहीं पाऊंगी. और अगर आप हमें मिल गए, हम ढंग से मर भी नहीं पाएंगे. प्लीज बाबा जी, आंखें खोलिए ना और मेरे खूबसूरत चेहरे को देखिए, वरना ओपनर ला के ना टक टक करके आपकी आंखों के पटन खोल देने मैंने. प्लीज बाबा जी. चली जाओ यहाँ से, मत करो हमारी शाम खराब. तुम्हारी आवाज से लगता है कि तुम हो चुकी हो बुढ़ी. वाह क्या बात है. दिस इज नॉट राइम. राइम छोड़ो, अपनी बेइज्जती देखो. 2 पैसे ज्यादा ही हुई है. धन्य है बाबा जी, धन्य है, आपने मेरी आंखें खोल दी. अब देखिए मैं भी आपकी आंखें खोलती हूँ.
आपने तो सच में हमारी आंखें खोल दी। अब तेरी ये मैक्सी भी खोलूंगी जो तूने मेरी प्राणी अंगूठी तेरी दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कहानी पूरी ना आती हो उसकी एक काम की कभी नहीं बनानी चाहिए। हम आपसे माफी चाहते हैं और मैं चाहूंगा कि आनंदी और गंगा के लिए जोरदार तालियां। गंगा और आनंदी, आप कॉमेडी नाइट्स में आई, आपका इस शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आते रहिएगा। शुक्रिया, इनके लिए जोरदार तालियां होंगे। और अब वक्त हो चुका है कलर्स परिवार के बड़े ही दो खास सदस्यों को यहाँ पे आमंत्रित करने का। प्लीज जोरदार ताली स्वागत कीजिए रजत और अनु फ्रॉम शास्त्री सिस्टर। वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स। जोरदार तालियां होनी चाहिए रजत और अनु के लिए। मुझे एक बात बताइए अनु, शास्त्री सिस्टर्स में आपका जो किरदार है, आपकी तकरीबन चार बहनें हैं। हाँ। चारों मतलब काफी ठीक ठाक हैं, एक से बढ़ के एक हैं। तो ऐसे में मोहल्ले में लड़के कंफ्यूज नहीं होते कि फोकस किस पे करें, क्योंकि कई बार होता है कि छोटी वाली ब्लू में अच्छी लगती है, बड़ी वाली पिंक में अच्छी लगती है, लड़के फोकस करने में कंफ्यूज नहीं होते? हाँ, होते तो है। तो फिर तब मतलब हमें भी पता है कि कैसे उसको डील करना है। नैनों के बाण चलते हैं ना। यस, नैनों का आया देख बोल रही है यस कटाक। रजत एक बार बताइए, शास्त्री सिस्टर्स में चार बहनें हैं, आपको अनु शास्त्री क्यों पसंद आई? एक तो ये अपने पापा की बहुत लाडली है। तो सारी बेटियां होती हैं? नहीं नहीं, मैं ये ज्यादा लाडली है। अच्छा, तो इससे अगर शादी होती तो मैं भी ज्यादा लाडला हो जाऊंगा। पापा का लाडले क्या करना, उसका लो ना जिसका चाहिए। मैंने पहला दामाद देखा है जो ससुर को फोकस करके प्लानिंग कर रहा है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अच्छा, और दूसरा? थोड़ी लो मेंटेनेंस है। लो मेंटेनेंस कैसे? मतलब ये यार, ये सड़क से लिपस्टिक खरीद लेती है? मुझे भी क्या बताऊं मैं। पर एक बात तो है रजत, आप अनु से शादी करके बड़े खुश रहेंगे, क्योंकि छोटी सी हैं, बीवी जितनी छोटी हो उतनी अच्छी रहती है। ना ना ना, गलत फहमी मत रहिए, बीवी छोटी हो बड़ी, खर्चे उसके हमेशा बड़े ही होते हैं। पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन जहाँ जिस घर में ज्यादा बहने हो वहां पे अगर एक की लाइफ में कोई लड़का आ जाए तो दूसरी जल्दी उसे एक्सेप्ट ही नहीं करती है। यहाँ तक कि मैंने देखा शादी के दिन तक कमियां निकालती रहती है। भाग के आती ना छोटी बहन बड़ी दीदी को आग बजाती, दीदी मैंने अभी जीता जी के जूते चुराने लगी, इतनी स्मेल करते ना, ओ गॉड। बहन बेचारी पर्दे डालती है कि नहीं नहीं वो अभी थोड़ी थोड़ी है, कोई बात नहीं, इतना तो चलता ही है। नहीं दीदी, अभी लग रहा है बारात में सबको डिवाइड हो रही बराबर, जब अकेली को आएगी ना तब देखना तुम्हारा क्या हाल होता है। ये सब चीजें होती है। मैंने एक चीज और नोटिस की है, लड़कियां जब शादी हो जाती है हस्बैंड से ज्यादा ना अपनी बहन से फोन पे बातें करती है, कई तो स्वागत वाले दिन ही शुरू हो जाती है। अपनी बहन को दीदी दूध का गिलास दे दिया, पी रहे हो। अच्छा, ये अपना भी टाइम वेस्ट करती है, उधर दीदी का भी करवा रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है, ऐसे होता है? सच्चाई तो है, बहनें मतलब बात करती है। तो उस आप भी शादी की बात करेंगी बहनों से? बात मैं वो बैलेंस करूंगी ऑलवेज। पक्का? पक्का। यही बात हम अपने दर्शकों से भी जानना चाहते हैं, लड़कियां जो है शादी के बाद अपने हस्बैंड ज्यादा बहन के साथ बातें करती हैं, उनके साथ सीक्रेट शेयर करती हैं। आप लोगों में से कितने परसेंट लोगों का ऐसा मानना है कि ये जी भाई साहब खपे हुए एकदम से हाथ खड़ा किया, जी भाई साहब। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रवेश मेहता है जी। मैं जिस समय भी घर आता हूँ जी, मैं अपनी वाइफ को टेलीफोन पे लगा हुआ देखता हूँ, और मैं क्या मेरे नाल भी लग लगा जी। वो टेलीफोन से लगी लगी किन नाल गल करनी है, वो बोलती है मैं अपनी बहन से बात कर रही हूँ। एक नहीं, दो नहीं, तीन, आधा आधा घंटा तीनों से बातें करती है। अच्छा जी, हमारा तो ख्याल करती नहीं। आपको बिल्कुल नहीं फोन करते? ऐसी करके मैं सुख गया पर जी। लेकिन मैंने देखा है शादी के टाइम पे सबसे ज्यादा दूल्हे का चेहरा चमक रहा होता है, जब ज्यादा सालियां देखे ना तो बड़ा नाटक करता है दूल्हा उस समय। तो उस समय इतने खुश क्यों होते हैं फिर दूल्हे? सर मैं सोचा सी लाइन मार लांगा, फिलहाल तो मेरी लाइन लगी पड़ी है। यहाँ पे आपकी वाइफ आई है साथ में? इकलौती है जी। इकलौती। नमस्कार जी, आप बहुत अच्छी लग रही, बहुत अच्छा सूट पहना आपने। थैंक यू जी। ऐसा पति को भी ले दीजिए।
तो जी मैम, आप अपनी बहनों से ज्यादा बातें करती हैं? जी इनको भी पूरा टाइम देती हूँ। झूठ बोल दिए नहीं जी, कोई झूठ बोलने नहीं आता। 100% मैंने 29 साल हो गए ने, मैं 29 घंटे मशक्कत नाल बिताए ने ना। पर सर एक बात है, आपका रिलेशनशिप देख के लग रहा है कि आप बड़े मजेदार दंपति हैं एक्चुअली। दोनों के लिए जोरदार तालियां। ये बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच कपिल। बातें तो बहुत हो गई है जी। आपने जो इतना अच्छा महाशिवरात्रि का मेला लगाया है, हमें उसका भी तो आनंद लेने दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप ही के लिए हमने ये खास बंदोबस्त किया है। शिक्षा प्रद एक काम क्यों की झलकियां आपको दिखाएंगे हम। आप यहाँ पे विराजमान होइए सोफा पे, आप दोनों के लिए जोरदार तालियां हो जाएंगी। तो हम हास्य और व्यंग के साथ साथ अपने बच्चों को और देश का भविष्य बनाने में जिन बच्चों का योगदान आने वाला है, हम उनको कुछ ऐसी कहानियां सुनाएंगे जिससे आपको समाज के लिए कुछ संदेश मिलेगा। और अब आप सबके लिए प्रस्तुत है बहुत ही प्रसिद्ध और पुरानी एकांकित स्वयंवर की कहानी। जोरदार तालियां। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? मैं अच्छी हूँ। मैं भी मच्छी हूँ। दिस इज गुत्थी फिश, इसमें हड्डी नहीं होती। वैसे तो कांटा नहीं होता, हड्डियां तो है। कपिल ये कैसी मच्छी है, मतलब कौन से समुद्र से आती है? समुद्र में नहीं, मुझे पानी से डर लगता है, बोट वगैरह जाती है ना ऊपर से, समुद्र में नहीं रहती हूँ। आपने फ्राई फिश सुना होगा, सेम लाइक शी इज ड्राई फिश। वैसे मुझे मच्छियां बहुत पसंद है। I love fish. You like fish? बहुत ज़्यादा. It's very good for skin. अच्छा तुम्हें पता है तुम्हारे क्या क्या फायदे हैं? मेरी मेरे माँ बाप ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं ना, तो पता है मुझे। माँ बाप ने कुर्बानी दे दी तो तुम्हें एक मगरमच्छ ने पैदा किया। नमस्कार नमस्कार, राजकुमारी सलीम का आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। एक मिनट, राजकुमारी सलीम जी, पर सलीम तो शहजादा था। देखिए आप इतिहास पे मत जाइए, आप शक्ल पे जाइए। वो तो शुक्र है हमने इनका नाम ये रख दिया, वरना तो इनके मुंह के हिसाब से इनका नाम महमूद भाई रखने वाले थे। एक साधारण मनुष्य होने पर एक राजकुमारी के बारे में ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? हम अपने पिताजी महाराज को कहकर आपको ताड़ी पार करवा देंगे। ताड़ी पार नहीं होता, तड़ी पार होता है। मुझे पता है, राजकुमारियां कुछ भी बोल सकते। कुछ भी नहीं बोल सकते, इनको बचपन से ताड़ी पीने की आदत है सस्ती वाली, इसलिए ताड़ी पार होता है। वैसे आपका फादर का नाम क्या है? डैडी डैडी कहते सब। सब सब कहाँ के राजा हैं इनके पापा? इनके पापा दिल के ही राजा हैं। पहले इनके पिताजी का बहुत छोटा सा शासन था, फिर पुलिस ने मार मार के उनका शासन बड़ा कर दिया, और फिर उनके यहाँ दुशासन जैसे बच्चे पैदा हुए। वैसे आप इनके ज्यादा इनसे बात करने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ राजकुमारी हैं, जल की रानी तो वो हैं। क्या जल की रानी? भैया जल की रानी हमको कहते रहते हो, लेकिन जब भी तुम्हारा मन करता है हमको निकाल के फ्राई करके खा जाते हो। हम में से तेल निकलता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारा तेल निकाल दो। चलो बातें बहुत हो गई, अभी हमारे पास जो है मछली भी यहाँ पे मौजूद है और राजकुमारी भी, बस एक राजकुमार की कमी है। रजत वैसे आप राजकुमार से कम नहीं लगते, वो वहां पे धनुष पड़ा है, वो लेके आइए, मैं आपको बताता हूँ, भाग के जाइए। करना क्या है इसका? सबको पता है स्वयंवर में क्या करते हैं, तीर आपके हाथ में मछली है, राजकुमारी है, तीर से आपने आंख फोड़नी, राजकुमारी की मछली आपकी। नहीं, कहानी में तो उल्टा था। हाँ कहानी में तो उल्टा था, इसका मतलब ये थोड़ी हम भी उल्टा करते जाएं, आज हम सीधा करेंगे। राजकुमार देखिए, अगर आपने मछली की आंख फोड़ी और राजकुमारी जीत के लेके गए, तो ये जो आपकी अनु है ये गुस्से में आपकी दोनों आंखें फोड़ देंगी, फिर आपको वैसे भी फर्क नहीं पता चलेगा कि सामने मछली बैठी हुई है राजकुमारी। इससे अच्छा ये है राजकुमारी की आंख पड़े और मछली आपकी इनको फ्राई करके खाए।
मैं पूछती हूँ समाज के ठेकेदारों से। ये क्या है? ये क्वेश्चन मार गया ना, पूछ रही हूँ। पूछिए। मैं पूछती हूँ समाज के ठेकेदारों से, क्या मछलियों में फीलिंग नहीं होती? आप बताइए, क्या मछलियों के माँ बाप नहीं होते? हमारी दर्द भरी कहानी सुनकर तो मेरा पेट भर गया। और आप जो इनसे मेरी आंखों में सीधा तीर मरवा रहे हैं, उसका क्या? अरे नहीं नहीं, सीधा क्यों है? ऐसे पहले हम गुब्बारे में प्रैक्टिस कराएंगे ताकि आपका निशाना खराब ना हो। एक ही तीर में जानी चाहिए। आइए आइए आइए, ये है, ये बंदूक से आप पहले गुब्बारे फोड़ेंगे। अच्छा, ये मुझे दे दीजिए। आप भी आइए, वहां से अपनी बंदूक उठाइए। हाँ आइए, शाबाश, यही इसी को कहते हैं बंदूक। चलिए ठोक दो। कोई भी गुब्बारा नहीं फूटा, लड़की हमारी हुई। देखिए बात तो मछली की हुई, लेकिन हम भूल गए ना, हमारी आदत ठीक है अभी। ओके, आपको एक मौका और दिया जाता है। अनु, ये पिस्तौल वो वहां जो पड़ा हुआ है, हाँ, वो उठा के आप इनके सुपुर्द करें और इनको कहें कि निशाना लगाएं। देख लेना कहीं मछली को जीतने के चक्कर में अपने वाले बिना हार जाइएगा। जी इधर आप लाइट भी ऑन कर सकते हैं, पूरा लेजर फीलिंग देगी आप। अभी निशाना इससे नजदीक जाना, अगर अब भी ना लगा तो आपका कोट भी उतरवा लेंगे हम। ये लेजर लाइट में गड़बड़ है, कहीं और दिखा। अरे आप तो इतना अच्छा निशाना लगाते हैं, मैंने कहा तो तीर रहने दो, आप सीधा राजकुमारी के मुक्का ही मारेंगे आप। अभी आप निशाना लगा सकते हैं। अरे खबरदार, जो किसी ने मेरे मंजू को गोली मारा, मैं आ गई हूँ। ये कौन है? ये बूढ़ी है, है? ये राजकुमारी की दादी सास है, इन्होंने बहुत बार स्वयंवर में भांग पी के राजकुमारी की जान बचाई है। स्वयंवर? कैसा स्वयंवर? अरे वही स्वयंवर जिसमें राजकुमारी की आंख फोड़ते फिर दो ग्लास भांग और फ्राई मछली मिलती है। ये सब क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आया। ये वही हो जो आज तक हमारे घर में होता है, आज तक कोई काम ढंग से हम लोग कर ही नहीं पाए तो ये कैसे करते। एनीवेज ये हमारी प्रॉब्लम है, लेकिन रजत और अनु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप कॉमेडियंस में आए। थैंक यू सो मच कपिल। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय सर। थैंक यू सर। आज यहाँ जो भी हुआ हमें उससे एक शिक्षा मिलती है कि मूर्ख लोगों से काम करवाने के लिए जो भी कोई प्रयास करता है वो खुद सबसे बड़ा मूर्ख होता है। बच्चों, आपने जितनी भी बचपन में कहानियां पढ़ी हैं उनसे हमें जो भी अच्छी शिक्षा मिलती है उसे आप अपनी निजी जिंदगी में अमल जरूर करें, इससे आपको जिंदगी में फायदा होगा। तो भाई और बहनों, आपकी जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करना चाहूंगा ससुराल सिमर का से रोली का। इन्होंने जितने भी किरदार निभाए आपने इनको खूब सराहा है और आपने इनको हमेशा साड़ी में देखा है। ये भी साड़ी पहनते तो लगता है कि कोई बड़ी ही मैच्योर लड़की अपना किरदार निभा रही है, लेकिन ये अभी बालिग नहीं हुई है। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। और मैं रोली को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, बड़ी ही कम उम्र में इन्होंने इतिहास रच दिया है। ये अपने शो में कम से कम जो है वो 7 बार किडनैप हो चुकी हैं, 8 बार इनकी शादी फिक्स हो चुकी है और 2 बार तो हो भी चुकी है, 2 बार इनको गोली लग चुकी है, 3-4 बार इनकी याददाश्त जा चुकी है, am I right? हाँ, और 2 बार डबल रोल भी कर चुकी है। 2 बार डबल रोल भी कर चुकी है। आपको लगता आपने ओवर कर लिया है? अभी का आप इतनी प्यारी दिखती हैं और आपकी छोटी सी एज है, सच सच बताना कितने रिश्ते आ चुके हैं अभी तक? नहीं आए, एक बॉयफ्रेंड तक नहीं है। यार मैंने कभी ये सुना किसी को खाने को कुछ नहीं, एक बॉयफ्रेंड तक नहीं, सुबह से
जेस्टर देखा आपने? आपको यहीं से ढूंढते बॉयफ्रेंड। यहाँ पे कितने लड़के हैं जो रोली से शादी करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए एक शर्त है, आपको अविका को अपने किसी टैलेंट से या अपनी बातों से इंप्रेस करना पड़ेगा। चार फिलहाल, चार तो आओ, अगर इनमें से कोई सिलेक्ट नहीं हुआ तो हम और मंगवाएंगे। आइए, तुम तो रहने देते चाहे। मैं तो कहता हूं शादी रहने तो नाश्ता कर लो। अच्छा ओके जी, चलो इन्हीं से शुरू करते हैं। पहले आपका नाम क्या है? प्रफुल। क्या करते क्या हैं आप प्रफुल? कॉलेज। कॉलेज, कॉलेज जाते हैं क्योंकि लेके जाता है? नहीं जाते हैं। आप खुद जाते हैं? हाँ, नहीं जाते। ओके। अच्छा, ये जो जेब में हाथ डाला वैसे डाला कि इसी के सहारे खड़े हैं? नहीं। आपको क्या लगता है आप में ऐसी कौन सी खासियत है जो अविका जो है आपसे इंप्रेस हो जाएगी? ये नहीं कहना कि मेरे थोड़ी थोड़ी मुछियारी उसकी आती नहीं, नहीं चलेगा। इसके अलावा कर यार कुछ गाना छड़ा गा दे, कुछ कर दे, धमाल कर दे कुछ। तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो मेरी तरफ। वो अंदर ये सोच रही कि तुम ही हो, मैं तो हूं, तुम हो कि नहीं हो। अविका से शादी आप करते हैं तो आप इनको कहां पे लेके जाएंगे हनीमून पे? बता भाई। ये ना कल को हनी का चाट कर मून देखा दे। गोवा है? गोवा। गोवा लेके जाएंगे। गोवा क्यों? गोवा गई हो अविका पहले ना? वो गई हुई है और कोई? चलिए ठीक है, इन्होंने अपनी तरफ से जो भी वेरी गुड, आपकी अच्छी है जो भी है, ठीक है जी। आप भाई साहब क्या नाम है ब्रदर आपका? शशिकांत। तो आप अविका को किस तरीके से इंप्रेस करना चाहेंगे? मैं सर भंगड़ा पाना चाहता हूँ। भंगड़ा कौन से गाने पे करेंगे? ये ना मर्जी है, नहीं सकता मैं। शशिकांत, अपने जिस भी आप गुरु को मानते हो, देवता को, उसकी फोटो पे हाथ रख के कसम खा के बोलना ये भंगड़ा था। सर जो आता था कर दिया। शशिकांत थैंक यू सो मच। आपका क्या नाम ब्रदर? हाय रोडी। मेरा नाम शुभम गुप्ता है। शुभम और शुभम? शुभम। जब से आप आए दो बार हमारा जनरेटर खराब हो चुका है। जी शुभम, आप किस तरीके से अविका को इम्प्रेस करना चाहते हैं? मैं गाना गाना चाहूंगा। अच्छा। खड़काओ खड़काओ। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम। अबे गाना गा रहा था, कविता पढ़ रहा था गुरु तू। चलिए कोई बात नहीं, ये विचार करेंगे, ये इनकी मर्जी है, किसको सेलेक्ट करें। एक बंदा रह गया, वो पीछे बड़ा घबराया हुआ है वो। अभिषेक मेरा नाम है, अमृतसर से हूँ, पंजाब से। अच्छा, तो अभिषेक आप अविका को कैसे इंप्रेस करना चाहेंगे? ये थोड़ा बहुत डांस के साथ। वाह। जैसे मोर बादलों को देख के खुश होता ना, वैसे मैं ऐसे नौजवान देख के खुश होता हूं। अरे क्या बात है। आ गया गुरु,
और आप सबको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि हमने कोई स्वयं नहीं रखा, हम टाइम पास कर रहे थे. थैंक यू अभिषेक, थैंक यू शशि, थैंक यू ब्रदर, शुक्रिया. थैंक यू ब्रदर, शुक्रिया. थैंक यू सो मच अविका रोली, आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आप ऐसे अच्छा अच्छा काम करती रहें. थैंक यू सो मच. आज हम आप सबको वो कहानियां दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो हमने कभी ना कभी बचपन में सुनी थी और जिसको सुन के हमें कोई अच्छी शिक्षा मिलती थी. और हमारा बचपन बाजी कितना मजेदार होता था. आजकल क्या इतने सारे चैनल्स हो गए हैं कि बच्चे समझदार हो गए हैं. हम लोग थोड़े भोंदू थे. मतलब देखो हमारे घर में कोई मेहमान आता था ना तो मम्मी बोलती है डांस करके दिखाओ बेटा, तो बच्चे मानते नहीं, मानिए. आजकल के बच्चे तो आप बोलो सही बेटा अंकल को वो डांस करके दिखाओ ऋतिक वाला, तो बच्चे एकदम से रेडी हो जाते हैं. ओके मामा, अरे मेरे वाला ट्रैक चलाओ. कौन सा ट्रैक? सेवन नंबर. फिर सेवन नंबर ट्रैक लेता, पहले 10 मिनट का निकलने दो. फिर जब स्टेप आता फिर बच्चे मतलब तैयार बच्चे. और हमारे टाइम पे म्यूजिक व्यूजिक कहाँ होते थे बाजी? हमारी माएँ भी वैसी, अगर हम लोग भोंदू थे तो माएँ भी तो हमारी वैसी थी बेचारी. बेटे चाचा आए गाना सुना चलो. और जैसा म्यूजिक वैसा ही गाना बच्चा भी. पाजी मैं बचपन की बातें इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आज यहाँ पे जो बच्ची आने वाली है वो इतनी सी बच्ची है लेकिन उसकी फैन फॉलोइंग जो है बहुत बड़ी है. मैं चाहता हूँ कि जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए सीरियल उड़ान की लीड चकोर का. कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ बेटा, आप बताओ आपको कैसा लग रहा है आज? मुझे भी अच्छा लग रहा है. How sweet. और कितने सवाल पूछने चाहते हो? चकोर एक बात बताओ, बताओ कहाँ जा रही हो? बैठने. क्या हुआ क्या? पूछो ना. बेटा एक बात, आप देख भी रहे हो मेरे लिए कितनी तालियां बज रही हैं. देखिए देखिए. हाँ बेटा मैं देख रहा हूँ. बेटा ओ बेटा, मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है. पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है. उड़ान मेरा रथ और हौसला मेरा पंख. ओ तो मैं अपने हौसलों से उड़ती हूँ, मन से नहीं. आप क्या पूछ रहे थे कपिल अंकल? सॉरी 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 देवी, मुझसे बहुत गलती हो, उठक बैठक लगाऊ? नहीं ऐसा कुछ नहीं, आपने सही बोला मगर आप आधा जवाब खा गए. तुम लोग तो आप क्या पूछ रहे थे? मैं तो कुछ नहीं बेटा, मैं तो ऐसे सांस लेने बैठा हूँ, मैं तो नहीं कुछ पूछ रहा. पूछिए ना. अरे मैं आपसे एक बात पूछनी है मुझे कि अब तो आप बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रही हैं. हाँ. अभी आप स्कूल में पढ़ कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? फर्स्ट स्टैंडर्ड में. कपिल अंकल आप मेरे से एक बात पूछना भूल गए. क्या बेटा? मैं पढ़ाई कैसे मैनेज कर लेती हूँ? बेटा आपको पता तो है ही मैंने क्या क्या पूछना, तो बोलते जाओ आप. कपिल अंकल आपका सवाल है आप पूछेंगे. अच्छा तो मैं सब दर्शकों की तरफ से पूछना चाहता हूँ आप पढ़ाई कैसे मैनेज करती हैं? पढ़ाई जब मुझे टाइम मिलता है रूम में आके पढ़ाई करती हूँ. सोने की मैं सोचती नहीं हूँ, पूरी रात उड़ान भरने के सपने देखती हूँ मैं. ये हौसलों की उड़ान है, ये हौसलों की उड़ान है, ये हौसलों
उड़ान के सपनों में खो जाती हूँ मैं। ओके मेरी सारी जिंदगी में मैंने इतना कॉन्फिडेंट बच्चा नहीं देखा आज तक। अगर चकोर रहती है, अगर चकोर रहती है तो हर बच्चे को ऐसा बनना चाहिए। निष्ठा चांद को चकोर से मिला देती। निष्ठा चांद को अगर चकोर चांद के पास नहीं जा पाती तो चांद खुद नीचे आता है चकोर से मिलने। सिद्धू ने सबको मौन कराया, ये पहली देवी माँ है जिसने सिद्धू को मौन करा दिया है। ठोको, ठोको। चाको, रुके, रुके। रोको रोको रोको। चकोर तो बड़े लोगों को भी शिक्षा दिलाने के लायक है, उड़ान भरने के लायक कैसे नहीं हुई? ठोको। मेरे को ना बड़े दिनों से अपनी नानी की याद आ रही थी, आप आई, थैंक यू। तो मैं क्या आपकी नानी हूँ? नो, नानी तो मेरी कुछ भी नहीं थी आपके सामने। तो बेटा उसकी तो तू नानी है, मेरी पड़नानी है तू। मुझे आपकी नानी से बहुत लेना देना है, सो मैं आपकी नानी से मिल भी चुकी हूँ। घुंघराले बालों वाली? हाँ। दादी से मिली है मेरी से? हाँ, लिपस्टिक लिपस्टिक लगा के बैठी है पल्लू टांग के ताकि कोई मुझे देख ना ले। आए, आए। दो मिनट बाद एंट्री होने वाली होगी इनकी। एक बात बताओ बेटा मेरे को, कौन सी ऐसी बात है जिसका जवाब नहीं है आपके पास? ऐसा कोई सवाल नहीं है मेरे पास, मेरा जवाब नहीं है। कपिल अंकल आपको क्या बताऊं, कैसी कैसी बातें करते हैं मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता है। अच्छा मुझे बात बताओ, आप इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हो, इतनी अच्छी समझदार बातें करते हो, आपका तो वोटर कार्ड भी बना ही दिया होगा गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल। इससे समझदार और क्या होता आदमी, जो थोड़ी 18 साल के बाद ही हो, ये वो एक्सेप्शनल केस होते हैं। अरे जब बच्ची पैदा हुई लोगों ने ये नहीं कहा बच्ची, कहते मुबारक हो भाई समझदार पैदा हुई है। अच्छा मेरे माई बापू ने मुझे उनके कोख में ही गिरवी रख दिया था, तो बताइए इससे कहानी क्या जुड़ी हुई है? कि मैं बंधुआ हूँ और अब मैं आजाद हो गई, तो इसका रीजन क्या? क्या? कि मैं उड़ने के लायक हो गई। बेटा एक ना आप वॉक बड़ी करवा रही है मेरे से, अब बैठ जाइए ना। नहीं नहीं बेटा मैं ठीक हूँ। अरे नहीं क्या तुम्हारा क्या पता, बीच में उठ के फिर खड़ी हो जाओ। अच्छा अच्छा मेरे को बताओ सच्ची में, आप तो अपने सीरियल में भोजपुरी बोलती, मुझे लगा आप भोजपुरी बोलती होंगी, आप तो हिंदी बड़ी अच्छी बोलती हैं, आप किसी भी डायलॉग की भोजपुरी बना लेते हो। हाँ। मैं एक डायलॉग बोलूं आप बनाओगे? हाँ। अगर मैं सफेद साड़ी पहन के हाँ? लाल बिंदी लगा के घर से निकलूं, सफेद साड़ी पहन के लाल बिंदी लगा, समझ में आ गया। लैंग्वेज बनाती हूँ। हाँ। अगर आप सफेद साड़ी पहनकर लाल बिंदी लगाई कर और घर के बाहर निकले तो लोग आपका लड़की लड़की का ही है। कपिल अंकल आपको सिद्धू अंकल अच्छे लगते हैं? हाँ आप भी अच्छे लगते हो। सब अच्छे लगते हैं पर आपकी वाइफ नहीं। देखिए ये कॉमेडी नाइट से तो इसमें कॉमेडी कॉमेडी बात तो होनी चाहिए ना। वाह वाह। तो चलिए अब उनको बुलाते हैं जो बड़ी छोटी उम्र में एक बहुत ही बड़ा किरदार निभा रहे हैं, प्लीज वेलकम सम्राट अशोक। आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में। धन्यवाद। शुक्रिया। आप ये तलवार लेके घूमते? हाँ ताकि कोई अपना मुंह ज्यादा चलाए तो सर कलम करने काम आए। तलवार लेके घूमते कि बनियान भी लेके घुमा करें थोड़ा। अशोक से वो
अशोक को उस बलून को मारना है, कोई भी एक बलून को। हाँ खींचिए, बहुत अच्छे, शाबाश। देखा अभी मेरा राज स्थापित होगा ना? पता है। छोटी सी बच्ची ने एक ही एपिसोड में आके मेरा और सम्राट अशोक की ऐसी की तैसी करके बैठिए। अशोक हैवी चीजें नहीं रखते आप पापी अंकल अपने पास? थोड़ा उधर उधर मैं बैठ गया, आपके वजह से सम्राट अशोक भी चिरंजीवी लाल की तरह बैठा हुआ ऐसे करके। अच्छा इनका नाम वैसे सिद्धार्थ है पर ये जैसे मैंने बताया कि सम्राट अशोक का किरदार प्ले कर रहे हैं। आप एक बार बताइए सिद्धार्थ, अगर मुझे ऐसा सीरियल करना हो तो उसके लिए कितनी तैयारी करनी पड़ती, क्या करना पड़ता है? सबसे पहले तो आपको कलाबाजी आनी चाहिए। कलाबाजी? जी। किस किस तरीके की? मतलब चलिए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको ये आना चाहिए। आप कर सकते हैं ये? है जी? क्या आप कर सकते हैं ये? मैंने क्या सवाल पूछा था आपसे? नहीं यार मेरा यही ठीक है। चकोर हम आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि हम आपके शो में आए हैं इसलिए, है ना? पता है इसके वजह से ही आपको थैंक यू बोलना है। मैं अर्शक भैया। नहीं मैं इसलिए मैं, आप हमारे शो में हैं उसके लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं कि मैं आपको थैंक यू कैसे बोलूं। पर मैं इसलिए थैंक यू बोलना चाहता हूँ ताकि आप पहले खुश हो जाएं थैंक यू सुनके, क्योंकि मेरी ना दादी आपसे मिलना चाहती है। कटाक्ष मैं छोड़ जाऊंगा दादी के पास? नहीं कोई बात नहीं, मुझे पता है। ओके दादी मैं आ रही हूं। अरे फटाफट बातें कर लेते हैं। सम्राट अशोक एक बात बताइए, आप छोटे से हैं अभी उम्र में, आपको क्या लगता है कि आप मगध साम्राज्य के सम्राट बनने के लायक हैं? हाँ मुझे लगता है कि मैं, हाँ मैं बन सकता हूँ, लगता नहीं मैं हूँ, क्योंकि मेरा नाम बचपन से ही सम्राट अशोक रख दिया गया और मैं अपने आप को सम्राट वनराज ही कहता हूँ, उससे नीचे कुछ कहता नहीं। अरे वाह आपके तेवर तो शुरू से ही वही हैं, उसमें कोई शक नहीं है। सम्राट हमारा जो ये शो है सब हम हंसी मजाक करते हैं, लेकिन आप इतना बड़ा साम्राज्य चला रहे हैं जी, उसके लिए आपने इतनी सारी मेहनत की, आपने इतनी बॉडी अच्छी बनाई, इतनी सारी प्रैक्टिस की, तलवारबाजी चलाना सीखा, तो ऐसा कोई भी सीख सकता है? मतलब अगर कोई सीखना चाहे तो, जैसे आपने मेरे को बताया था करके पहले, लगन होनी चाहिए तो इंसान कुछ भी पा सकता है, और इनके अगर लगन ना हो तो कुछ नहीं हो सकता, इच्छा शक्ति चाहिए। अच्छा यहाँ पे हैं कोई मेरे भाई बंधु जिनमें बहुत लगन है ये जो सम्राट अशोक करते हैं वो सीखने की? जी आइए, लगन है आप में। हेलो कॉफी सर, ये घोड़सवारी कर सकते हैं क्या? घोड़ा इन पे चढ़ाएं? अब घोड़े से पूछना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? सर चेतन। चेतन? यस सर। ओहो आइए चेतन जी, और कोई हमारे दोस्त? जी जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? डीके, दीपक कदम। आइए छोटे छोटे कदम लेके आइए, बढ़ाइए बढ़ाइए कदम। और कोई हमारे दोस्त? चेतन जी। यस सर। ये आपसे आपके गुर सीखना चाहते हैं, जो आपने सम्राट अशोक बनने के लिए तैयारी की, आप इनको भी तैयारी थोड़ी सी कराइए, थोड़ी सी तैयारी तो इन्होंने की है, बाल लंबे किए हुए राजा बनने के लिए। तो डीके जी क्या करते हैं आप? मैं शॉप चलाता हूँ मोबाइल रिपेयरिंग की। और आप क्या करते हैं चेतन जी? आपका शो देखता हूँ बस। थैंक यू ब्रदर, थोड़ा सैर वैर भी किया करो। आइए। तो चेतन जी ये जो करेंगे आपको उनको कॉपी करना है। ओके सर। पक्का? कॉन्फिडेंट? सर ट्राई कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक चीज, ठीक है? तो आप करेंगे? सिंपल है, ये करना है आपको। चलिए चेतन जी करिए, लगन ले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोशिश, वेरी गुड चेतन। सोचिए, कोशिश तो करना पड़ेगा। आपके डबल नहीं ये कर लिए तो आप तो करी।
दोनों प्रतिद्वंदी बराबर और चेतन इस समय भारी नजर आ रहे हैं। ज्यादा ज्यादा। तो विनर कौन? चेतन। चेतन सुपर मैन, सुपर। अरे मेरे भाई बहुत अच्छा किया यार। सर मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, इनके साथ एक डांस। आपकी रिक्वेस्ट छोटी हो ही नहीं सकती ऐसे। हाँ जी भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चेतन जी की तमन्ना इनके साथ डांस करने की, सो मैं उनका डांस जरूर करूँगा। चेतन, आज के इस मोमेंट के आप स्टार हैं। आपको भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। लगे रहिए। बहुत अच्छे। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। गॉड ब्लेस यू। आपकी दादी अभी ठीक है? अच्छा। आजा बेटा। अच्छा तू उसको सुलाई? इतनी अच्छी अच्छी बातें की ना आपने, भैया ने। अभी भैया कितना अच्छा डांस करके गए। आपने पैसा कौवा कहानी सुनी है? हाँ। आपने सुनी है? मैं तो जूनियर केजी में सुन ली थी। अभी दिखाएंगे हम आपको। हाँ। दिखाएं? हाँ। तो आप वहां पे जाके बैठ जाओ, भैया को साथ में ले जाओ, ठीक है? दोस्तों, आज हम जो एकांकी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उसका नाम है प्यासा कौवा उर्फ द थर्स्टी क्रो। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी शिक्षा निकालने से पहले कहानी देख लेनी चाहिए। तो प्रस्तुत है एकांकी प्यासा कौवा, यानी थर्स्टी कौवा। ये कहूँ साइकिल से आ रहा है? बेटा मेरा शो हिट नहीं हुआ ना, इसलिए कार पे तो आ नहीं सकता। कहाँ? कहाँ? क्या हुआ? कहाँ? आप क्या कर रहे हैं कौवा भाई साहब? हम यहाँ पर पानी पीने आए हैं, यहाँ जलालत के कड़वे घूंट पीने। ओहो, जलालत के कड़वे घूंट बना कौवा है, डायलॉग पंकज दास वाले। ताजमहल ले लो, कुतुब मीनार ले लो, कुछ तो ले लो। लेकिन बना तो तुम मटके रही हो। ज्यादा कहां कहां मत कर, ऐसा मारूंगी ना कि मुंह टूट जाएगा तेरा। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? पता है हमें तो कौन है, तो वही है ना जैसे दो घंटे से मटका नहीं बन रहा। मटका तो मैं यूं बना लूं, यूं बना लूं तभी तो मटका नहीं बन रहा। मटका यूं नहीं, यूं बनता है। पता है मुझे, लेकिन पहले एडवांस तो दिखा। एडवांस अभी लो, एडवांस हुड़ हुड़ दबंग ये ले। अबे पैसे निकालो। ये तेरा बटुआ है? हाँ। ये क्या, सिर्फ 10 का नोट? इतने कम पैसे नहीं ली थी मैं। अरे प्यार से दे रहे, रख लो वरना थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं। चलो फटाफट बनाओ, मेरा टाइम मत वेस्ट करो। क्यों, तुझे किस बात की जलती है? अरे मटका होगा, पानी होगा, उसमें कंकड़ डालूंगा तभी तो मैं पानी पीऊंगा। अच्छा तो सीधे सीधे जाके पानी पी लेना। अच्छा तेरे आलस के चक्कर में बच्चों का मैं थर्स्टी क्रो खराब कर दूं। अकेले मटका मेरे से मांग, फालतू में आ गए। मटका दे, मटका दे, इधर आओ, ये लो मटका, इसमें पानी डालो, चोंच मारो, जो भी मारना मार के फटाफट पी के निकलो, चलो। अरे इसमें तो कितना कम पानी है। तो कहानी पूरी सुनी ना तूने? क्या, कंकर डालोगे पानी ऊपर आएगा, उसमें चोंच मारो पी के निकलो। अच्छा मतलब कंकर इकट्ठे करूं, इससे अच्छा मैं पैसे इकट्ठे करके कोल्ड ड्रिंक ना पी लूं। ये ले पकड़ कंकर। हाँ चल शुरू हो जा। हाँ अब आएगा पानी ऊपर। बेड़ा कर, मटका तोड़ दिया, कहानी खराब कर दी तूने।
है? अबे कहानी ये थी कि अंदर कंकड़ डालते पानी ऊपर आता है, फिर चोंच मार के पानी पीते, फिर कौवा उड़ जाता है। तो बिना पिए भी तो उड़ ही सकता कौवा। और इसके साथ ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सम्राट अशोक और हमारी छोटी सी बच्ची और बहुत ही टैलेंटेड बच्ची चकोर का, जोरदार तालियां दोनों के लिए। सिद्धार्थ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सम्राट अशोक धन्यवाद। मैं यहाँ से प्रस्थान करने से पहले कॉमेडी के सम्राट कपिल शर्मा की आम सभा के सामने मैं सम्राट अशोक आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। Thank you so much, Ashok, and wish you all the best for your show and your future. Thanks a lot. God bless you. Thank you. Bye, बच्चों. आपको भी जाना था बेटा, आप गए नहीं? नहीं जाऊंगी. चकोर, I love you so much. I love you too. Thank you, बेटा. अब ये बच्ची को जोरदार तालियों के साथ इनका हम एग्जिट करेंगे। थैंक यू सो मच चकोर, बाय बोलो सबको। थैंक यू बेबी, दिस इज फॉर यू। थैंक यू। सो इसी के साथ ही हमारी आज की शाम की प्रस्तुति को हम समाप्त करते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि ठंड जितनी भी हो नहाते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए। एक मिनट। ये बहुत गलत बात है। क्या? जो शो चल रहा है उसमें से आपने सबको बुलाया और जो आने वाला है उसमें से आपने किसी को नहीं बुलाया। अरे आपका शो आ रहा है? हाँ, सुरागिनी। हाँ। शो का नाम भी यही है? जी, मैं स्वरा और मैं रागिनी। हम दोनों के बीच में ना सिर्फ दो सिमिलैरिटीज। क्या? हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, कोलकाता से है। और दूसरा, हम दोनों को म्यूजिक से बहुत प्यार है। आपको ज्यादा जानने के लिए ना हमारा शो देखना पड़ेगा। एक बात तो क्लियर हो गई कि सुरागिनी जो है उसमें कुछ म्यूजिकल तो है, am I right? जी। तो आप बड़ी सही जगह पे आई हैं। आपको पता है मुझे म्यूजिक का बड़ा शौक है, कोई गाने वाला आ जाए ना मैं तो घर तक छोड़ के आता हूं। अरे ये गाती है ना? आप भी तो गाती हैं? मैं गाती हूं, मैं थोड़ा सा जॉइन कर लूंगी, मुझसे ज्यादा बेटर ये गाती है। तो रागिनी के मुंह से हो जाए 4-5 लाइनें जरा, तो जोरदार ताले हो जाए रागिनी के लिए और स्वरा के लिए। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.